टाइम नहीं, धंधा बंद कर ले वरना सांस लेना भी मुश्किल कर। गुजरात की हवा में व्यापार है साहेब, मेरी सांस तो रोक लो लेकिन इस हवा को कैसे। कब साथ नजर आएंगे जासूस, पठान में क्यों नहीं दिखेंगे ऋतिक रोशन, क्या कहा आदित्य चोपड़ा ने अपनी स्पाई थ्रिलर फिल्म के लिए। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीग्राम स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। एक्शन फिल्मों ने आज लोगों के दिल में काफी अच्छी जगह बना ली है, जिसके चलते कल्ट मूवीज के सीक्वल बनने लगे हैं। काफी लंबे समय से चर्चा चल रही है ऋतिक रोशन, सलमान खान और शाहरुख खान एक साथ तो पठान में या फिर टाइगर 3 में साथ नजर आ सकते हैं। हालांकि ऋतिक रोशन ने ये ऑफर ठुकरा दिया था, लेकिन अब कुछ और ही बात निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि ऋतिक रोशन, सलमान खान और शाहरुख खान अपने रोल में यानी कबीर, टाइगर और पठान बनकर साथ नजर आएंगे। जैसे रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स की सूर्यवंशी में सिंघम, सिम्बा और सूर्या एक साथ नजर आए थे, लेकिन इसके लिए अभी काफी लंबा इंतजार करना होगा। बताया जा रहा है कि पठान या टाइगर में तीनों एक्टर्स एक साथ नहीं होंगे और ये पहले से ही तय था। एक बार वॉर 2 पूरी हो जाए जिसमें ऋतिक लीड रोल में है, उसके बाद ही स्पाई यूनिवर्स में तीनों को एक साथ दिखाया जाएगा। बता दें, जो लोग जानते हैं कि पठान और टाइगर 3 की स्क्रिप्ट में क्या है, वो पक्के तौर पर बता सकते हैं कि ऋतिक रोशन का कैरेक्टर कभी इन फिल्मों में पठान या टाइगर से नहीं मिलने वाला है। आदित्य चोपड़ा काफी अलग तरीके से अपनी इस फ्रेंचाइजी को बना रहे हैं, और जब सलमान खान, ऋतिक रोशन और शाहरुख खान एक साथ टाइगर, पठान और कबीर के तौर पर मिलेंगे, वो केवल वॉर 2 के बाद ही होगा और ये प्लान शुरू से ही था। बता दें, अभी तक पठान में सलमान खान टाइगर वाले रोल में कैमियो करते नजर आएंगे, और उसी तरह टाइगर 3 में भी शाहरुख खान के कैमियो की बात कही जा रही है। बता दें, सलमान खान ने पठान में अपना हिस्सा शूट कर लिया है, पठान में अब सिर्फ कुछ पैच वर्क बाकी है और बाकी पूरी फिल्म की शूटिंग हो चुकी है। वहीं सलमान खान की टाइगर 3 की शूटिंग शुरू हो चुकी है लेकिन अभी पूरी नहीं हुई, जबकि ऋतिक रोशन की वॉर 2 पर अभी कुछ भी काम शुरू नहीं हुआ है। बता दें, पठान में शाहरुख खान, सलमान खान के अलावा दीपिका और जॉन अब्राहम भी शामिल हैं। सत्यमेव जयते 2 के बाद फिर से जॉन दोबारा एक्शन के मोड में नजर आएंगे, जिसमें ये एक विलन की भूमिका निभाएंगे। लेकिन क्या आप शाहरुख और सलमान और ऋतिक को एक साथ देखने के लिए एक्साइटेड हैं? क्या ये तीनों मिलकर फिल्म को हिट करा पाएंगे? आपको क्या लगता है और आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राम स्टूडियोज़।